प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलती हुई देश की अर्थव्यवस्था में अब ईमानदारी का प्रीमियम मिलेगा। ईमानदारों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। पीएम कंपनी सेक्रेटरीज के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पीएम ने माना कि पिछले 3 वर्षों में 7.5% की औसत ग्रोथ हासिल करने के बाद इस साल अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस ट्रेंड को रिवर्स यानी कि उलटने की पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने जीएसटी के मुद्दे पर कहा कि जरूरत पड़ी तो वो बदलाव के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को निराशा फैलाने में आनंद आता है। जाहिर है इशारा उनका जो था वो पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की तरफ था। नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था। बदलती हुई देश की अर्थव्यवस्था में अब ईमानदारी को प्रीमियम मिलेगा। ईमानदारों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। ऐसे कुछ व्यापारियों के मन में एक डर रहता है कि कहीं ये नए कारोबार को देख करके पुराने की कल्पना कह करके पुराने रिकॉर्ड का तो नहीं खंगोले जाएंगे। मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मैं आज जीएसटी के संबंध में भी कहना चाहता हूं, 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज को हमने भली भांति देखा है, बारीक से बारीक चीजों के फीडबैक लिए हैं। और मैं देश के व्यापारी आलम को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लकीर के फकीर नहीं है और हम कभी ये दावा नहीं करते सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है। जहां कहीं रुकावटें हैं, 3 महीने में जो अनुभव आया है उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है। इस वर्ष अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में कमी दर्ज की गई है, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि सरकार इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्षमतावान है, हम फैसले लेने के लिए तैयार है। साथियों, महाभारत में ही एक और किरदार थे, शल्य का नाम सुना होगा आपने। ये शल्य वैसे कर्ण के सारथी थे, उधर अर्जुन के साथी कृष्ण थे, इधर कर्ण के सारथी शल्य थे, लेकिन ये शल्य जो भी युद्ध में था उनको हतोत्साहित करने का ही काम करना, उससे क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है, अरे तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है, तुम्हारे रथ में दम, ऐसा ही बस यही काम। अब ये शल्य इंसान ही ऐसा नहीं है, शल्य एक वृत्ति है और कोई महाभारत के में युग में ही थी ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे। कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है, और ऐसे लोगों के लिए आजकल 1 क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है।